आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, जिंक सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट बनता है, तो यहाँ पर ए और बी क्या, ए क्या होगा? और सिमिलरली उसी प्रकार FeCl3 लवण को NH4OH के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो Fe2O3.HCl2O प्लस NH4Cl बनता है, तो इसमें B बोला गया है Fe2O3.HCl2O को, तो इसमें B और A का रंग क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो जिंक सल्फेट था ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस NH4OH, जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक का हाइड्रोक्साइड बनता है ZnOH2 जिंक हाइड्रोक्साइड। ये जो लवण है हमारे पास, ये क्या है, भारी धातु, यानी जिंक क्या है, हैवी धातु है, और हैवी धातु का लवण है, जब वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जलीय अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये अभिक्रिया करता है, एक्वस जलीय अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड का एक अवक्षेप बनता है जो किस कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का ये अवक्षेप बनेगा और साथ में अमोनियम सल्फेट बनता है, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनता है अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं अमोनियम सल्फेट बनता है। इस अभिक्रिया को अगर संतुलित किया जाए तो संतुलित करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, बस यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अभिक्रिया हमारा संतुलित हो जाएगा, 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा ए है, सॉरी ए है या बी है, ए है, इसको ए बोला गया है, तो ए हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा हो गया, सफेद अवक्षेप हो गया। उसी प्रकार हमसे बोला गया एक और लवण लिया गया था जिसका नाम एफेरिक क्लोराइड है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड को जब जलीय अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, NH4OH के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो इस फेरिक का भी हाइड्रोक्साइड बन जाएगा Fe, जब ये हाइड्रोक्साइड बनता है तो इस तरीके से बनता है Fe2O3.XH2 बनता है, जो कि रस्ट का फॉर्मूला होता है, जंग का फॉर्मूला होता है, और ये किस कलर का अवक्षेप होता है, सफेद रंग का पाउडर होता है, सॉरी सफेद बोल रहे हैं, भूरा रंग का पाउडर होता है, ये भूरा रंग, इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग का ये होता है, और साथ में क्या बन जाता है, NH4Cl बनता है, NH4Cl ये बन जाता है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, बी है, हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से ए और बी का कलर क्या है, तो इस अभिक्रिया एक बार संतुलित जरूर करने चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा Fe2O3.HCl2 प्लस NH4Cl एक्वस, तो ए और बी का कलर कैसा हो जाएगा, ए हो गया सफेद रंग का अवक्षेप और बी हो गया भूरा रंग का अवक्षेप, तो सफेद और भूरा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।